ओम शांति। प्रभु प्रसाद चैनल में आप सभी भाई बहनों को स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गणेश का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। विनायक चौथी, गणेश चतुर्थी कहा जाता है। समृद्धि, बुद्धिमता, श्रेयस, आयु, आरोग्य, ऐसे मंगल लाने वाला देवता गणेश का यह त्योहार लोग बहुत श्रद्धा से, भावना से मनाते हैं। इस त्योहार को अपने घर की रीति के अनुसार एक दिन, तीन दिन, सात दिन इत्यादि दिनों तक भी मनाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को ही मानते हैं। पहले पहले गणेश चतुर्थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कुल देवता मानकर गणेश चतुर्थी का आरंभ किया। 1893 में ब्रिटिशों पर विजय प्राप्त करने बाल गंगाधर तिलक ने सर्व हिंदुओं को एकत्रित करके सामूहिक रूप से गणेश की पूजा शुरू किया, जिसके कारण गणेश को विघ्न विनाशक भी मानते हैं, जिसके कारण लोगों में दिव्यता के साथ साथ देशभक्ति की भी जागृति आई। गणेश का त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर के अनेक देशों में भी मनाए जाते हैं, जैसे कि थाईलैंड, चाइना, जापान, नेपाल, अफगानिस्तान आदि आदि देशों में भी मनाए जाते हैं। सारे विश्व में सबसे बड़ा गणेश की प्रतिमा इंदौर में 8 मीटर लंबाई, 5 धातुओं का जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहे से बनाया हुआ मूर्ति का पूजन शानदार तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि गणेश, गणपति यानी सेना के भगवान, गणनायक, विद्या गणपति, सिद्धि विनायक, गजानन, वक्रतुंड महाकाया, विनायका, शिव बालक, विद्या गणपति आदि आदि। गणेश को भक्ति मार्ग में मनुष्य का शरीर और हाथी का सिर दिखाते हैं। चार भुजाएं और चार भुजाओं में चार अलंकार, बड़ा पेट, छोटी आंखें, मूषक वाहन ऐसे दिखाते हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि मुकुट जिम्मेवारी के प्रतीक है, गज सिर विशाल बुद्धि द्वारा सत्य ज्ञान की धारणा, गजमुख दिव्यता बुद्धिमता, गजकरण सहनशीलता त्याग का प्रतीक है, गजनयन दूरदर्शिता एकाग्रता, अवगुणों का आदर्शन व गुणों का दर्शन, वक्रतुंड आसुरी वृत्तियों को उकाड़ के फेंकने का सामर्थ्य,
शक्तिशाली, विनम्रता, सत्य और असत्य, व्यर्थ और समर्थ को परखना। लंबोदर, सब कुछ समाने की शक्ति, छोटी मुख, अधिक सुनना, कम बोलना। वरदहस्त, महादानी, वरदानी, सदैव शुभ भावना देते रहने का प्रतीक है। कुल्हाड़ी, मोह ममता के बंधन काटना, आसुरी वृत्तियों को, आसुरी संस्कारों को नाश करना। एकदंत, बुराइयों को मिटाना, अच्छाइयों को धारण करना। छोटी आंखें, दूरदर्शिता, युक्ति युक्तता। रस्सी, ऊंच और श्रेष्ठ ध्येय लक्ष्य को समीप पहुंचाने वाली ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करना। महा उधर, बड़ा पेट, माना मान, अपमान, जय पराजय, सर्व में समान। गजवदन, श्रेष्ठ कर्मों द्वारा निर्भयता, निश्चिंतता। मूषक वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण और संयम। कमल पुष्प, पवित्रता का प्रतीक है। लड्डू, संगठन की शक्ति। मोदक, सुख शांति का प्रतीक है। परिश्रम का फल खुशी की प्राप्ति है। प्रसाद, साधना का फल सर्व प्राप्ति व सफलता संपन्न। श्री गणेश, सर्वगुण व सर्वशक्तियों का संपूर्णता व संपन्नता के प्रतीक है। तो आइए विघ्नहर्ता पर्व पर विघ्न विनाशक गणपति जी का आध्यात्मिक रहस्य को जानकर विघ्नों को नाश करें, अपने जीवन में गणेश के गुणों को धारण कर गणेश जैसा हम भी विघ्न विनाशक बने। और गुह्य जानकारी के लिए अपने समीप के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट विजिट करें। ओम शांति।